मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी से हड़कंप मच गया। बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। रेप की इस घटना के बाद पूरे मंदसौर में गुस्सा है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मंदसौर शहर आक्रोश की आग में जल रहा है। सभ्य समाज सड़क पर उतर आया है क्योंकि शहर में कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ जंगलों में होता है। इस गुस्से की वजह आप जानेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। आप भी इन्हीं मंदसौर वासियों की तरह मुट्ठियां भींच लेंगे। दिल करेगा कि तमाम कानून कायदे को भूलकर उन जानवरों की जान ले लें जिन्होंने 8 साल की बच्ची से रेप करने की जुर्रत की। शाम को इसके पिताजी इसको लेने काफी लेट पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इनकी बच्ची को स्कूल से कोई दूसरा व्यक्ति लेकर चला गया है। इन्होंने 1 घंटे तलाश करने के बाद से पुलिस को सूचित किया और पुलिस लगातार उस लगभग 8 बजे रात्रि से तलाश कर रही थी और यहां लक्ष्मण गेट के पीछे उस बच्ची को दस्तयाब किया गया है। तो शिवराज चौहान के आमन राज में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। दरिंदों ने 8 साल की एक बच्ची से रेप किया, वो भी इतनी हैवानियत के साथ कि दिल्ली के निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। ये देखिए, ये उसी बच्ची का स्कूल बैग है, पानी की बोतल है। कोई नहीं जानता वो बच्ची दोबारा स्कूल जा पाएगी या नहीं, पढ़ पाएगी या नहीं। अब तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा रह पाएगी या नहीं। स्कूल वाले कह रहे हैं कि एक शख्स आया और बच्ची का रिश्तेदार बताकर उसे अपने साथ ले गया। ये कैसे लोग हैं जिन्होंने एक बच्ची को अजनबी के साथ भेज दी। स्कूल वाले ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी को चूहों ने कतर रखा था, इसीलिए शख्स की तस्वीरें भी दर्ज नहीं हो पाई। स्कूल वालों का हिसाब होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं बलात्कारियों के हौसले का मामला। बेटी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है लेकिन अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। कोई कसर इसमें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दरिंदगे इस धरती पर बोझ है और यहाँ जिंदा रहने के लायक नहीं। शिवराज चौहान गुस्से में हैं, लेकिन इस गुस्से से उस बच्ची के साथ हुई क्रूरता अब कम नहीं हो सकती। अब वो बच्ची कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। जो अपराध उसके साथ हुआ है उसका अवसाद जिंदगी भर उसे दर्द देता रहेगा। इसीलिए सवाल तो शिवराज चौहान को अपने आप से करना चाहिए कि वो एक मासूम को इस हालत में पहुंचने से बचा क्यों नहीं सके। मंदसौर में आकाश चौहान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।